टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम अली कब्रिस्तान एक बार फिर जो है वो सुर्खियों में है। दरअसल 2 से 3 दिन पहले ही एमएम अली कब्रिस्तान में मैयत दफन की गई थी और वहाँ पर जो है कुछ तस्वीर और वीडियो जो है इसका बना लिया गया था कब्र की और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया था कि कब्रिस्तान में किस तरह से पानी भरा हुआ है और बदबू आ रही है। दरअसल यहाँ के जो विरोधी हैं उनका भी ये कहना है कि कब्रिस्तान जो है वो दलदल में है, वहाँ पर गंदा पानी जमा होता है, नाले का पानी आता है, बारिश का पानी जमा होता है, ये तमाम चीज़ें जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध जब से ये कब्रिस्तान बना है लगभग तभी से इन सभी चीज़ों को लेकर इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट ने इस कब्रिस्तान का दौरा किया और जायज़ा लिया और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। कुछ लोग कुछ झूठी तस्वीरें निकालते हैं और उसको वायरल करते हैं। देखो ऐसा है कि कब्रिस्तान लाने का, उसकी ज़मीन लाने का काम मैंने किया, मिट्टी डालने का काम किया। अब हम लोग सब कब्रिस्तान को, पूरे कब्रिस्तान को, ऐसा है कि नई कब्र जब खुदाई होती है और ऊपर से बारिश आते ही रहता है तो उसमें पानी तो जमा होगा ना। ये 5 एकड़ का पानी जाएगा किधर? तो जमीन में ही जाएगा ना। ऐसा दुनिया का कोई कब्रिस्तान दिखा दो कि जहाँ से पानी नहीं आएगा। पानी और मिट्टी का पुराना नाता है, सदियों पुराना नाता है। ये क्यों तुम हमेशा कब्रिस्तान को बदनाम करते हैं? अरे आखिरियत की जगह है यार, उसको तो राजनीति से बाजू में रखो। बताओ ना कहाँ पानी है, दिखाओ। ये इतना कितना बड़ा कब्रिस्तान है, दिखाओ। 3200 कबर है, 3200 कबर दिखाओ मुझे। कभी सोचा है बदनाम करने वालों ने कि कोविड के हालत में ये कब्रिस्तान नहीं होता तो क्या होता? हमने भिवंडी, घाटकोपर, विक्रोली कभी ये नहीं बोला कि मुमरा के कब्रिस्तान में किसको आने नहीं देंगे, सबको आने दिया। कोविड के हालत में हमारे लोगों ने वहां कब्र खुदाई। अरे जब पानी ऊपर से बरस रहा है, नीचे से तुम कब्र खोद रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं असर होगा ना। जैसे ही धूप हो जाएगी पानी गायब हो जाएगा और उसमें मिट्टी रेती है सब डालो ना। बारिश आने के बाद लोग भी यहां से निकल जाते हैं, लोग भी रुकते नहीं है। ये क्या जबरदस्ती का बदनाम करने का ये ढूंढते हैं? सर मैं तो कहना है कि वायरल फोटो पर इतना घमासान होने के बाद आपका अचानक सर्वरिया, अगर ऐसा ही जिस तरह एक कबर को लेके ये सारा मामला पेश आया और उसमें एक रिकॉर्डिंग चली एक बंदे की, उसने अपना पूरा हालात का जायजा बताया कि मैं अपना वालिद साहब को नहीं तदफीन करना चाहता था मगर इधर तदफीन करनी पड़ी और मैंने आंखों से देखा, तो उस रिकॉर्डिंग बंदे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिसने पूरा मेन रिकॉर्डिंग करके चलाया था? मुझे उससे कोई देना देना नहीं। जिनको कुछ समझता ही नहीं कि अभी तुम ये खोदोगे तो इससे पानी नहीं निकलेगा नीचे से। अरे रास्ते पे अगर 7 फुट पानी जमा हुआ वो चिपड़ून में खेड़ में 20-20 फुट पानी जमा हुआ तो उस कब्रिस्तान में पानी नहीं निकलेगा? अरे थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। एक दिन में 332 मिलीमीटर अगर बारिश गिरती है तो उसका मतलब समझते आप क्या होता है? अगर ना समझो तो घर बैठो, जो चलाना है चलाओ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर कम से कम आखिरियत की जो जगह है उसको बदनाम मत करो, क्योंकि तुम हो या मैं हूं आना तो जाना तो उधर ही है। आपको ऐसा वक्त मिले कभी खुदा ना करे ऐसा आगे चल के होता है तो क्या आप ऐसी कोशिश करेंगे कि उसी के बाजू में सेम कबर खुदा के लोगों को प्रूफ देने में मैं काहे को दूं? ये हमारा काम नहीं है। काम हमारा जरूरत क्या हम पूरे नहीं? 17 करोड़ रुपया डाल के ये बनाया है। ये इस्लाम में मंजूर है क्या? आखिरियत की जमीन को बदनाम करना ये इस्लाम में मंजूर है क्या? अरे सबसे बड़ा कब्रिस्तान दुनिया का जो माना जाता है वहां पानी आता है तो मुमरा के इससे अलग है क्या? बड़ा कब्रिस्तान जाओ उधर शिवाजी नगर में कहां पानी आता है देखो, 1 फुट पे पानी आता है। ये सिर्फ जितेंद्र अवार्ड मिलता है, हिंदू मुसलमान का रंग लगा सकते हैं, इसलिए बदनामी करते हैं, शर्म नहीं आती? और अभी
इन्होंने फोटो। क्या टाइमिंग मिलता है बारिश में? देखो नेचुरली पानी निकलता है, हमको 11 बजे का टाइम देते, हम 11 बजे के हिसाब से तैयारी करते, हम मैयत लाएंगे 2 बजे, तो भाई वो 2 घंटे के अंदर तो पानी भरना है कि नहीं? बारिश है नीचे से, तो हम लोग तो हमारे 11 बजे के हिसाब से तैयारी कर रहे, हम मैयत लेट होता है उसमें किसकी जिम्मेदारी? गड्ढा तो बुझा नहीं सकते ना उसको, हम लोग बंद कर सकते क्या वापस? और पानी तो नीचे से नेचुरल है ना भाई, कौसा मिल किया 2000 से कब्र खोदने का काम चालू किया मैंने, कौसा में भी निकल रहे, और जो भी आता है ना वो इधर यही बोलते है साहब को फोन करूँ क्या, साहब को फोन करूँ क्या, कब्र जल्दी करके दे नहीं तो बोले उधर फोन करेंगे, तो हम किसकी सुनने का? एक मैयत खोदने में कितना वक्त लगता है? बारिश में हमारे उसको 2.5 से 3 घंटा लगता है बारिश में, एक मैयत खोदने के लिए 3 घंटे का वक्फा लगता है, वक्फा लगता है बारिश में, उसमें भी पब्लिक वक्त पे नहीं लेके आती, नहीं लेके आती, जिसकी वजह बारिश से पानी भर जाता है आपका कहना, दो प्रेशर डालेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम तो खोदना है, हमको डायरेक्ट इधर इधर ट्रस्टियों से भी नहीं डराते, डायरेक्ट बोलते हैं हम व्हाट्सएप को फोन लगाएंगे, हम व्हाट्सएप के घास है, तो फिर हम लोग क्या करने का, किसकी सुनने का? जो आता है डायरेक्ट यही बोलता है, मुख्तार भाई भी इस वक्त के गवाह है, रात में 2-2 बजे फोन करके बोलते है क्या व्हाट्सएप फोन, नहीं तो बोलते हैं व्हाट्सएप से देखो फोन आएगा तो तू बोले जाके खोदेगा बरोबर, ऐसा बोलते है, ये बात के गवाह है मुख्तार भाई, हम लोग आप लोगों का कहना है इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हकीकत है, कितनी बार रात को ऐसा भी करते हैं कि इनको बोलते हैं जल्दी खोदो नहीं तो व्हाट्सएप आपको फोन करेंगे, और एक बार अगर 5 मैयत है तो 5वीं मैयत वाला बोलता है भाई जल्दी मेरे तीसरा नंबर मेरे को दे देने तो व्हाट्सएप को फोन करेंगे, ऐसा रात को 2-2, 3-3 बजे भी मेरे को फोन करते, तो 12 बजे के बाद दफिन का मामला तो बंदे क्या आवाम को पता नहीं, नहीं कितनी ऐसा होता है, कितनी बॉडी होती है जो इमरजेंसी दफनाना पड़े, जैसे आपको भी मालूम है अटैक अटैक की जो बॉडी रहती है उसको एक टाइम पीरियड रहता है ना, तो उसके बाद वो ब्लडिंग वगैरह चालू हो जाती है उसके अंदर, तो ऐसी सूरत में अपने को रात में लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी उनको खोदने वाले को प्रेशर करते आके रात को जल्दी।